काफी टाइम बाद एक बैचलर वाली सीरीज देखने को मिली है जिसमें वही पागलों वाली हरकतें की गई हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपके कमरे में कोई रहता है वेब सीरीज के बारे में। इसे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया। टोटल इसके अंदर 5 एपिसोड है और इन 5 एपिसोड की टोटल लेंथ बताऊं तो 1.5 घंटे में ये सीरीज खत्म हो जाती है। इसके अंदर कास्ट है सुमित व्यास, नवीन कस्तूरिया, अनमोल प्रसाद, आशीष वर्मा और सबकी चहेती सबकी प्यारी स्वरा भास्कर। देखो, जहां स्वरा भास्कर का नाम आ जाए तो वहां अगर एक्टिंग की बात ना हो तो यार मजा नहीं आता। देखो, कहानी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले इसमें जो एक्टिंग की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये 4 बैचलर होते हैं, इनका जो हरामीपन होता है, जो कमीनापन होता है, ये सुमित व्यास, नवीन कस्तूरिया, अनमोल प्रसाद, आशीष वर्मा, इन्होंने बहुत बखूबी से, बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है कि जैसे बैचलर लोंडे रहते हैं, जैसी उनकी हरकतें होती हैं, मतलब बेकार से, गंदे से रहने वाले, ऐसी अच्छे से हमारे सामने इन्होंने रिप्रेजेंट किया। लेकिन स्वरा भास्कर, यार ये ओवर एक्टिंग क्यों करती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या सोचकर इसको कास्ट किया गया है। जब भी ये 4 बैचलर जो है वो स्क्रीन पे आते या इनमें से कोई एक भी स्क्रीन पे सामने होता तब हमें हंसी आती है, बेशक हमें हंसी आती है, लेकिन जैसे ही स्वरा भास्कर आती है हमारे सर में जरूर दर्द हो जाता है। यार किस लिए, क्यों, क्या क्या सोच कर लिया गया है। जब स्वरा भास्कर की इस वेब सीरीज के अंदर एंट्री हुई थी ना, तब दिल से आवाज निकली थी कि ये वेब सीरीज तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने जितनी भी स्वरा भास्कर की मूवी या सीरीज देखी है उसमें 1% भी चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए नहीं देखा। मतलब सेम टू सेम उठकर बस एक्टिंग करने आए हैं कि हाँ बस डायलॉग बता दो क्या बोलना है, और उसमें भी ओवर एक्टिंग करती है। कुछ तो यार थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करो, एक्टिंग की क्लास क्लूस ले लिया करो, तुम ऐसे मत किया करो यार, बहुत बुरा लगता है यार, देखना पड़ता है। भले ये फ्री वेब सीरीज है, एमएक्स प्लेयर पर रिलीज की गई है, टोटली फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम यार मतलब इतनी घटिया एक्टिंग देखें। खैर, अब इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। 4 बैचलर होते हैं, निखिल, सुब्बू, कवि और शंकी। ये शंकी बहुत फेवरेट है यार मेरा। तो इन चारों को एक कमरा चाहिए होता है रहने के लिए या एक फ्लैट चाहिए होता है रहने के लिए। अपनी हरकतों के कारण ऑलरेडी एक कमरे से इनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि भाई ये रात को पार्टी कर रहे थे, बैचलर हैं तो बैचलर वाली हरकतें तो करेंगे करेंगे। इन्होंने ये चीजें की तो इनको बाहर कर दिया गया, इनको कमरा नहीं मिल रहा। तो काफी ज्यादा ढूंढने के बाद इनको एटलीस्ट एक फ्लैट मिल जाता है जहां पर भूत का साया होता है। तो ये जो 4 दोस्त रहते हैं, निखिल, सुब्बू और कवि, और एक जो लास्ट में होता है संकीत, इन चारों में से ये जो कवि है बहुत ज्यादा मतलब कच्चे दिल का यार, ये कॉकरोच देखे तब भी मर जाए, और एक दिन इसकी मौत हो जाती है। अब कैसे हुई, किस लिए हुई, ये तो देखो आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। जब इसकी मौत होती है, ये इसकी जो आत्मा है वो मुस्कान के शरीर में चल जाती है। मुस्कान एक जो लड़की है जिसको प्ले किया स्वरा भास्कर ने, ओवर एक्टिंग की रानी कह सकते हो, कवि की आत्मा मुस्कान के शरीर में क्यों गई और कवि को मारा किसने, और जो प्रेत आत्मा है इस जो फ्लैट में वो क्यों है, क्या चाहती है, इसके लिए तो आप लोगों को देखो ये सीरीज ही देखनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा काम है रिव्यू करना, आपको डिटेल से बताना नहीं है। अब जो भी इस वेब सीरीज के अंदर मुझे अच्छी चीजें लगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, इन चारों का हरामखोर मतलब इनका हरामीपन दिखाया जाना। अब देखो यार, कवि वैसे अच्छा इंसान है, इन चारों दोस्तों में से कवि अच्छा है, लेकिन वही बात होती है ना, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। इन चारों में से अगर एक खराब, एक अच्छा है तो 3 खराब है, तो उसको तो एट दी एंड मिलके इन तीनों के साथ मिलना ही पड़ेगा ना। अब वो हरकतें तो वैसी करनी पड़ेंगी, तो इन चारों ने जो बैचलर की लाइफ है वो अच्छे से जस्टिफाई किया। जो एक सीन है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मुझे उस सीन को देखकर काफी ज्यादा हंसी आई थी। एक सीन होता है कि जिसमें कवि की आत्मा जो है वो मुस्कान के शरीर में चली गई है। अब उसका एक जो ठरकी जो दोस्त है शंकी, वो इसके पास आता है, इसको गले लगाता है, तो कहता है कि यार काफी टाइम बाद तेरे से मिलकर, मतलब तेरे गले लगकर अच्छा लग रहा है, और मतलब तुम ठरक देखो यार इस बंदे की, इतना ठरकी इंसान है, इसको ये नहीं पता, ये सोच नहीं रहा कि इसका दोस्त मर गया है, उसे इसका कोई गम नहीं है, ऊपर से इसका दोस्त मर के वो आत्मा बन के एक मुस्कान नाम की लड़की के शरीर में आ चुका है, उसको उसका भी डर नहीं है, इसको अपनी ठरक हटानी है, उस चीज का फायदा इसे उठाना है। डायलॉग मुझे इस सीरीज के काफी अच्छे लगे, परफॉर्मेंस में इन चारों की मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन इसमें 2 कमियां हैं। एक तो इसमें जो कहानी है वो है ही नहीं, दूसरी जिसमें स्वरा भास्कर है उसे क्यों लिया गया ये समझ में नहीं आ रहा। इस वेब सीरीज में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, हाँ काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत की है ये साफ दिखता है, और इसको कहीं भी जो डर का माहौल जब बनता है, जो हॉरर का इन्होंने जोनर डाला है, वो चीप सा नहीं लगता, थोड़ा बहुत हाँ लगता है कि हाँ इसमें एक्चुअल में वर्क किया गया है, लेकिन उतना अच्छे से हमारे सामने नहीं आ पाता। इस सीरीज के जो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड है वो काफी ज्यादा पसंद आए मुझे, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड आगे बढ़े थोड़ी सी ये कहानी जो है उसका अपना इंटरेस्ट खोने लग जाती है, और कुछ एक सीन ऐसे आते हैं कि उनका क्या फायदा, क्या मीनिंग बनता है, क्यों वो किए गए, ये
इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें स्वरा भास्कर की जगह कोई अच्छी एक्ट्रेस डाली होती जो अच्छे से अपने अभिनय को निभा पाती और हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाती और इसके अंदर कहानी के अंदर अच्छे से वर्क किया होता तो ये सीरीज बहुत अच्छा कमाल कर सकती थी। फिर भी मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4.5 out of 10। सर अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो, ऐसी स्टोरी देखना चाहते हो कि भाई हाँ जिसमें भूत एक कमरे में रह रहा है या एक हवेली में या फिर जो एक फ्लैट में रह रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। कुछ नयापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ बैचलर लौंडो की एक कहानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो हरकतें वो कर रही हैं उसको देखकर हंसी जरूर आ जाएगी, लेकिन कहानी वो उसमें आपको कुछ भी नयापन नहीं मिलेगा। अगर जिन्होंने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।